शाह करके जो मर्डर हुआ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो प्रचार हुआ है। जिस दिन रात में मर्डर हुआ, 9:30 बजे रात में मर्डर हुआ, वो मर्डर हुआ, किसने मर्डर किया, क्या कई किस मकसद से हुआ, कोई नहीं जानता था। सवेरे जो फसाद होने का कारण ये जो एकाएक ही जो हमारे जो मिनिस्टर जो कर्नाटका स्टेट के जो मिनिस्टर है ईश्वरप्पा के स्टेटमेंट के बाद, अभी पुलिस का इंक्वायरी चल रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके अंदर कार्रवाई से पहले ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये मर्डर जो हुआ हर्षा का ये मुसलमान करा करके, वो स्टेटमेंट के वो स्टेटमेंट देने के बाद जो है वो फसाद होता है, पत्थरबाजी होती है, जो भी नुकसान होता है वो स्टेटमेंट के बाद। अगर ईश्वरप्पा वो स्टेटमेंट नहीं देता तो पत्थरबाजी नहीं होती थी। अभी ईश्वरप्पा के स्टेटमेंट के देने के बाद वो पत्थरबाजी हुई। उससे पहले हमारे जैसे नसीर साहब बताए, हमारे मुर्गन जो ADGP जो उधर शिमोगा के है, उन्होंने खुद प्रेस मीट करके एक सोशल मीडिया के अंदर आया है, 2 आदमी इसके अंदर हम लोग ने इस अरेस्ट किया है, एक सुरेश करके और एक ऐसा कि गौड़ा करके। कितने बजे है? 10 बजे स्टेटमेंट देते हैं, बराबर। ये अगर ईश्वरप्पा ही देता तो इतना बड़ा फसाद नहीं होता था। तो हमारा क्या है इंटेंशन, आप हाल ही के अंदर देखे होंगे सोशल मीडिया के अंदर, यही हर्षा का TV9 के अंदर एक स्टेटमेंट आया हुआ है। मैं इसके पहले मैं बजरंग दल में था, हिंदू संगठन में था, मैं छोड़ दिया, 3 साल रहा उधर, मैं 3-4 साल रहा, उनके माहौल देख के, जो उनके गलत काम देख के, वो मैं जब बजरंग दल भी छोड़ दिया, हिंदू संगठन भी मैं छोड़ दिया, मगर ये लोग मुसलमान के ऊपर जो साजिश कर रहे, जो मुसलमान के ऊपर जो जुल्म करने का ठान रहे, वो देख के मैं छोड़ दिया करके। उसके एक माँ का भी बीच में 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट आता है, वीडियो मेरे पास है, आपको मैं भेजता हूँ। हमारे चंद हिंदू संगठन के मेरे बेटे को मारने की साजिश कर रहे हैं, कई के लिए, ये जो हिंदू बजरंग दल के अंदर था, हिंदू संगठन के अंदर था, ये एक्टिव था, ये इनके इनका जो था अंदर का भंडवाल, ये खुलासा करने लगा, पब्लिक के अंदर ओपन खोलने लगा है। उस वजह से मेरे बेटे को 10 लाख की सुपारी देके मारने की जदोजहद कोशिश कर रही करके उनका भी स्टेटमेंट है। वो होता है अभी 144 सेक्शन के अंदर प्रोसेशन जाता है, आप लोग सब जानते हैं, यानी पूरा इलीगल कानूनन नहीं है, यानी ईश्वरप्पा डायरेक्ट प्रोसेशन के साथ भी जाते हैं एक मिनिस्टर होते हुए। और मैं आपको माध्यम मुखातर में ईश्वरप्पा से पूछना चाहता हूँ, अगर आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है तो आप बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को क्या होता है, थोड़ा हिंट मिलता है इधर तो एक जगह हिंट मिलता है कि भाई फलाने किए फलाने करके। ये शिमोगा के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी नहीं है ये, अभी इतना बड़ा फसाद हुआ, इतना नुकसान हुआ, इसका कौन ये भरेगा, नुकसान कौन भरेगा, गवर्नमेंट भरेगी या ईश्वरप्पा भरेगा? मेरे हिसाब से वो ईश्वरप्पा ही भरना चाहिए। अगर ईश्वरप्पा वो स्टेटमेंट नहीं देते इतना बड़ा फसाद नहीं होता था। तो हमारा क्या है, कांग की एक जगह ये साजिश है, जैसे नसीर साहब बोले कि जेल के अंदर जाके एक दिन पहले, यानी जो मर्डर हुआ दूसरे दिन जेल के अंदर जाके जो मुसलमान में जो कैदी लोग हैं उनको जाके 40 जन को इतनी बुरी तरह से मारे कि 15 जन हॉस्पिटल में एडमिट है। क्यों उनको ले जेल में जाके मारने का कारण क्या है? मेरे हिसाब से ये लगता है इसके अंदर कुछ हुआ है। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट से, मैं आपके माध्यम मुखांतर माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, आप इसको CBI तनिखे कराओ। इसका मर्डर हुआ है, अभी DGLD का फसाद के अंदर कोई मिला नहीं, थोड़ा पत्थरबाजी हुई DGLD के अंदर, थोड़ा स्टेशन को थोड़ा आग लग गई थी, उसके अंदर आप NI को देते इंक्वायरी को, तो इसको क्यों नहीं दे रहे, ये मर्डर हुआ है। तो हमारा पार्टी का, हमारे तमाम लीडरों का हमारा एक ही डिमांड है, इसको CBI तनिखे कराओ करके हमारा डिमांड है। 130 घरों पर जो अटैक हुआ है, जिनका लास्ट हुआ है, उसका मुआवजा मेरे ख्याल से ईश्वरप्पा ही देना चाहिए। मिनिस्टर है, मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट होता है, इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन। मिनिस्टर मतलब क्या है, वो गवर्नमेंट होती है, उसके स्टेटमेंट के बाद ही गलाटा हुआ, जब तक गलाटा नहीं हुआ था तो उसका मुआवजा कौन देना चाहिए, ईश्वरप्पा ही देना चाहिए ना। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई मुआवजा ऐलान नहीं हो रहा है, नहीं, एक्चुअल मुआवजा देना चाहिए, ईश्वरप्पा देना चाहिए, गवर्नमेंट का बाद में हम डिमांड करेंगे।